नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूर्वांचल के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सिबली कॉलेज के संस्थापक अल्लामा सिबली नोमानी का आज ही के दिन 18 नवंबर 1914 के दिन निधन हुआ था। उनकी याद में एक समारोह आजमगढ़ सर स्थित सिबली एकेडमी के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सिबली नोमानी ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की एक इस्लामी विद्वान थे। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बिंदौल में हुआ था। उन्हें 1883 में सिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना की और आजमगढ़ में दारुल मुसफ्फीन के लिए जाना जाता है। सिबली अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू में विद्वान थे और एक कवि भी थे। मुबारकपुर विधायक और सिबली कॉलेज के प्रबंधक शाह आलम गुड्डी जमाली ने कहा कि अल्लामा सिबली नोमानी की याद में हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। आज का कार्यक्रम, आज जो में सिबली है, सिबली साहब की आज इंतकाल हुआ था, उनकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा था। उनको हम लोग अपनी श्रद्धांजलि या खैराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए। ये एक तरीके की एक गोष्ठी थी। सुना है और जिस तरीके से मैंने साहब ने अपना दर्दिल बयान किया है, ये सब पत्र की चीज़ें हैं। वो ये ना भी कहते खाली इनकार कर देते तो फिर क्या करते, लेकिन ये जो बात कही है दिल से कही है, दर्द से कही है, आपस में दूसरे को समझने का जज्बा होना चाहिए। शिवली ने सारी